हेलो डियर स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी दिस इज विनोद कुमार गर्ग इन दिस वीडियो यू विल नो व्हाट आर ट्विन्स व्हाट आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस व्हाट आर डाइजाइगोटिक ट्विन्स एंड व्हाट आर सियामीज ट्विन्स ओके द स्टडी ऑफ ट्विन्स हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉ टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ट्विंस की स्टडी को करते हुए हमारी बहुत हेल्प हुई है ये समझने में कि ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है चिल्ड्रन बोर्न एट सेम टाइम आर नोन एज ट्विंस ओके मीन्स जो ट्विन्स जो बच्चे पेयर फॉर्म में सेम टाइम पे पैदा होते हैं तो उसको हम ट्विंस बोलते हैं दे मे बी आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्वेंस आइडेंटिकल ट्विंस डिसेंड फ्रॉम वन फर्टिलाइज्ड एग तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक एग जब फर्टिलाइज हो जाता है जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट बनने के बाद में ब्रेक हो जाता है तो जाइगोट जितने पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा उतने ही बच्चे पैदा होंगे और इनका सेक्स सेम होगा दे इधर मे बी बॉयज़ और मे बी गर्ल्स ठीक है अगर जैसे दो बच्चे हैं या तो फिर दोनों बॉयज़ होंगे या दोनों गर्ल्स होंगे तो उसको बोलते हैं मोनो जाइगोटिक ट्विन एज आइडेंटिकल ट्वींस अराइज फ्रॉम वन जाइोट सो दे आर ऑल्सो नोन एज मोनोजाइगोटिक एंड दे विल भी जेनेटिकली एंड मोरफोलॉजिकली सिमिलर सो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्विन्स जो मोनोजाइगोट होंगे दे प्रोजेस आइडेंटिकल जीन्स आइडेंटिकल ट्वींस आर ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स ये मैंने आपको बता दिया एनी डिफरेंस इन द आइडेंटिकल ट्वीन इज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब अगर कोई चेंज उनमें होगा भी कोई डिफरेंस होगा भी तो वो एनवायरमेंटल कॉजेज़ के कारण होगा समटाइम्स सेपरेशन ऑफ मोनोजाइकोटिक ट्विन्स इज़ इनकम्प्लीट मतलब वो जुड़े हुए होते हैं किसी भी बॉडी पार्ट से सच ट्विन्स आर नोन एज कन्ज्वाइंट ट्विन्स और सियामिज ट्विन्स तो सियामिंस ये पहली बार मतलब थाईलैंड में पाए गए थे ऐसे केस तो इसको सियामिज ट्विन्स बोलते हैं सियामिज थाईलैंड का पहला नेम है सो so, अब हमारा आता है फ्रेटर्नल और डाइजाइगोटिक ट्विंग्स फ्रेटर्नल और डाइजाइगोटिक ट्विंग्स ओरिजिनेट एज टू सेपरेट फर्टिलाइज्ड एग्स यूजुअली क्या होता है कि फीमेल में एक मंथ में एक ओवरी से एग एक, एक ही एग रिलीज होता है दूसरी ओवरी से नहीं होता ठीक है ओवरी का पेयर होता है तो जैसे जैन के मंथ में अगर राइट right ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो फेब मंथ में लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होगा बट बहुत रेयर कंडीशन ऐसी होती हैं जब दोनों ओवरी में से सेम मंथ में सेम टाइम पे एग रिलीज हो जाता है तो दो डिफरेंट स्पर्म जाकर दोनों एग को अलग अलग फर्टिलाइज करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग दो जाइगॉट एक साथ बन जाते हैं ठीक है तो ऐसे ट्विनस को बोलेंगे डाई जाइगॉटिक ट्विन क्योंकि दो अलग अलग जाइगॉट बने हैं तो इसमें क्या होगा दीज ट्विन रिजेम्बल ईच अदर जस्ट लाइक एनी अदर ब्रदर एंड सिस्टर बॉर्न टू अ कपल एट डिफरेंट टाइम्स दीज ट्विंस कैन बी टू ब्रदर्स और टू सिस्टर्स और वन ब्रदर एंड वन सिस्टर मतलब यहाँ पे सेक्स सेपरेट मतलब मेल और फीमेल दोनों भी हो सकते हैं जबकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ऐसा नहीं होता ठीक है तो डाइजाइगोटिक ट्विंस जो हैं वो फुल्ली मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल हो ये भी पॉसिबल नहीं है ठीक है सो दिस वॉज आल अबाउट ट्विंस एंड इट्स टाइप्स Thanks for watching.